Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. Dosto, aap dekh sakte hain, aaj mere saath mein again ek chhota sa dog hai, German Shepherd. Aur ye bahut hi naughty hai. No good boy, good boy, don't do that. Abhi isko sabse pehle ye jo maine abhi diya hai, ye puppy biting ke liye. Aap dekh rahe the ki ye mujhe baithne bhi nahi de raha tha aur baat bhi nahi karne de raha tha. Iska result abhi hum dekhenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No good boy. Okay. Abhi bite karni. No, 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 no. Abhi nahi bite. Abhi nahi karni. Agar tu gale saath mein ye 110 days ka German Shepherd hai, and he is a long coated dog. ये मेरी होम ब्रीडिंग है. इस बच्चे का वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था. इसके ऑनर भी मेरे साथ में बैठे हैं. ये डॉग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है. इसकी दो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम्स आपके साथ में डिस्कस करूँगा. आप इसको देख सकते हैं, इसके फेस पे फंगस प्रॉब्लम आ रही है, फंगस इन्फेक्शन आ रही है. थोड़ा सा पास से देखिए प्लीज. इसके फेस पे आईज के आसपास फंगस से इन्फेक्शन आ रखी है. इसका आने का बहुत बड़ा रीज़न है, ये आजकल जैसे गर्मियां हैं, बरसात है, और ये किसी भी पौधे में, लॉन में, कहीं भी कुछ भी मुंह घुसा लेता है, और वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी लीड करती हैं इन्फेक्शन के लिए. आजकल तो बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत जगह वेब्स लगे होते हैं, जाले लगे होते हैं जो पॉइजनस हैं. वो कोई भी चीज़ जो है इसको इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकती है. और ऑफ कोर्स कई बार हमने पेस्टिसाइड्स भी डाले होते हैं, वो भी अच्छा नहीं है इनकी स्किन के लिए, इनके लिए. अगर ये खाएगा तो ये वॉमिट भी करेगा, इन्फेक्शन अंदर टमी में भी इसकी इन्फेक्शन आएगी, पेट में भी आएगी. दूसरा इसका प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी हाइंड लेग्स जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं, हाइंड लेग्स क्रॉस होना शुरू हो गई हैं. उसका एक मैं छोटा सा वीडियो क्लिप भी आपके साथ में अभी शेयर करूँगा. वो प्रॉब्लम कर रहा हूँ बिकॉज बहुत देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ की कि सर जो हाइंड लेग्स की प्रॉब्लम है डॉग की, अगर वो क्रॉस करना शुरू हो जाता है, लेग्स बेंड होना शुरू हो जाती हैं, उसका क्या सोल्यूशन है और हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज चाहिए उसके लिए, डाइट में कुछ हमें चेंज करना है या नहीं, हर एक चीज़ बहुत मैटर करेगी. सबसे पहले मैं इसके फेस की बात करता हूँ, फंगस इन्फेक्शन की. इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल लोशन ले लीजिए. वो इसको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कीजिए. एक कॉटन स्वैब लीजिए, उससे सेवलॉन लगा के उससे पहले इसका फेस पूरा क्लीन करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है. डिटॉल नहीं यूज़ करते हैं डॉग्स का, इस चीज़ का ख्याल रखना. इसके फेस को पूरे को क्लीन करेंगे. क्लीन करने के बाद में हम उसके वेट करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए. जब वो सूख जाए तो फिंगर पे लोशन लगा के इसके फेस के इस एरिया में पूरे का पूरा वो हम कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, अब हम बात करते हैं इसकी हाइंड लेग्स की. राइट, ये इतना शरीफ नहीं है जितना ये आपको वीडियो में लग रहा है. इसको ये वीडियो बनाने से पहले इसको पपी बाइटिंग के लिए जो हमने आपको गाइडलाइंस दी थी, वही सेम यूज़ किया है. इसके फेस को पकड़ के बैठा था मैं, 10 काउंट किए थे और उसका रिजल्ट आपके सामने है. राइट सर, आपके सामने ही चल रहा है जी. इस साइड लाइए प्लीज़ कैमरा. प्रॉब्लम आ रही है इसकी हाइंड लेग्स की. अब हाइंड लेग्स के लिए सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, रिजल्ट हमें प्रॉब्लम कैसे फील होती है. ये दोनों एल्बोज जो हैं आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं. जब ये चलेगा तो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये नहीं होना चाहिए. जबकि इसकी पोजीशन होनी चाहिए ऐसे, ये पोजीशन होनी चाहिए जर्मन शेफर्ड के लिए. राइट, और अगर लैब्राडोर है तो वो, या रॉटविलर है तो वो वाइट खोल के चलते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड पैरलर चलेगा, लेकिन आपस में रब करके नहीं चलेगा. इसके लिए हमें क्या उसकी एक्सरसाइज करवानी है. सबसे पहले तो इसको सीढ़ी चढ़ना बंद करवाना है. अगर आपका डॉग सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको बंद कीजिए. अगर उसको आप ज़्यादा देर बांध के रखते हैं तो वो भी बंद कीजिए. इसकी हाइंड लेग के अंदर हाथ रखा, थाई में अंदर हाथ रखा, इसको हम पूरे को प्रेस करेंगे, देन सीधा खोलेंगे. प्रेस करेंगे, सीधा खोलेंगे. अब अगर हमने अंदर हाथ नहीं रखा तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस में जा रहा है. आप ये देखिए, ये टेल के नीचे जा रहा है, उसके एनस पॉइंट के नीचे जा रहा है. वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है एक्सरसाइज. अगर एक्सरसाइज करवानी है जिससे उसको रिजल्ट मिले, ये हाथ अपना उसके थाई के अंदर
और इसको लाइक दिस, जो मूवमेंट है अगर गलत एक्सरसाइज करवाएंगे वो प्लस की जगह माइनस रिजल्ट देगी, वो और प्रॉब्लम बढ़ा देगी। इसको बांध के नहीं रखना, इसको एक्सरसाइज डेली करवानी है। कोशिश कीजिए दिन में 3 बार 5-5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कराइए और दोनों लेग्स को करवाइए। मैंने तो एक लेग की एक्सरसाइज करवा के आपको बता दिया, दोनों लेग्स की करवाइए। उसके अलावा हल्की सी प्रेसिंग करनी है, यू हल्की हल्की मसाज करनी है, जो इसकी नसें हैं उसको स्ट्रेंथ मिलेगी उस चीज से। इसके अलावा जो इसके लिए डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैल्शियम दीजिए बहुत अच्छा, किसी भी अच्छे ब्रांड का कैल्शियम ले लीजिए। जो डोज बनती है आपके डॉग के हिसाब से वो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप फील फ्री टू कॉल मी, मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपको इसके साथ में ग्लूकोजामाइन देना चाहिए। ग्लूकोजामाइन जो है वो प्रोडक्ट है जो इसके जॉइंट्स को रिपेयर होने में हेल्प करेगा, इसके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देगा। इसके जो जॉइंट्स हैं ये जो वीक पड़ रहे हैं उसको वो स्ट्रेंथ देगा। आप देख सकते हैं बोन इज वेरी हैवी, बहुत रिच डार्क टैन कलर है। सर को भी लीजिए वीडियो में, ये जो 45 डेज का था बच्चा मैंने तब इसका वीडियो बनाया था और वो मैंने अपने इसी चैनल पे डाला था यूट्यूब पे, लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड का। अभी ये 110 डेज का हुआ, आप इसका कलर रिचनेस देख सकते हैं। अब आई फ्रंट पे आ जाइए, ये बहुत एक्टिव डॉग है, इसका आप कलर रिचनेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, पॉज बहुत हैवी है, हेड फेस बहुत अच्छा है, पूरा बढ़िया बच्चा बन रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। एक इसमें ड्रॉबैक आया है जो इसकी हाइंड लेग्स जो है वो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने बीच में ऐड किया है, उसको अभी थोड़ी देर में फिर से ऐड करूँगा क्लिप को, वो आप देखिएगा। हमें वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर आपका डॉग उस तरह से चल रहा है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम और उसका हमें सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में इसकी डाइट बहुत मैटर करेगी, घर का बना हुआ होममेड फूड मत दीजिए, कोई भी अच्छे ब्रांड का डॉग फूड ले लीजिए। जिसमें डॉग फूड इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर हम होममेड फूड देते हैं, दलिया देते हैं या रोटी देते हैं तो उसका वेट काफ़ी आ जाएगा, जो डॉग की ऑफकोर्स अल्टीमेटली तो उसकी लेग्स पे ही आएगा। एक्सरसाइज मिनिमाइज कर दीजिए, एक्सरसाइज यानी वॉक, वॉक मिनिमाइज कर दीजिए। उसको बॉल के साथ खेलने का शौक है मत खेलने दीजिए। इस बच्चे के जो पॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, हेड बहुत अच्छा जा रहा है, फेस बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन फेस के यहाँ पे जो फंगस इन्फेक्शन आ रही है वो बहुत मैटर करती है। ये आज हमने इसे नोटिस किया है, इसकी फेस की इन्फेक्शन के लिए भी आज हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और इसकी जो चेस्ट है वो अच्छी ब्रॉड है, ये मैंने चेस्ट बेल्ट डाली है, इसको चेस्ट बेल्ट जो है हार्नेस भी बोलते हैं इसको, इसलिए डाली है बिकॉज जब ये वॉक के लिए चलेगा तो इसकी नेक पे प्रेशर नहीं आएगा, नेक पे प्रेशर नहीं आएगा तो जो सांस घुटता है डॉग का वो नहीं आएगा, चेस्ट ब्रॉड होगी और इसकी ग्रोथ में अच्छा हेल्पफुल रहेगा। मिनिमम वॉक करवानी है इस एज का जो डॉग है, जैसे इज अराउंड 110 डेज ओल्ड, इसको बॉडी वेट जो है इसका तकरीबन 18 किलो होना चाहिए था और ये 15 केजी से थोड़ा सा ऊपर है, तो दैट मीन्स ये अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन और बेहतर हो सकता है, और बेटर हो सकता है। और इसको एक महीने बाद, अभी से एक महीने बाद मैं एक बार फिर से इसका वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। इसकी आज हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, हाइंड लेग्स की प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को हमें एक महीने बाद फॉलोअप लेंगे, एक महीना जो भी मैं इनको बता रहा हूँ कंटिन्यू करेंगे, ताकि वीडियो इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, राइट। ये जो प्रॉब्लम थी इसके लिए मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बादल भंडारी प्रेजेंट्स डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर। थैंक यू।